अस्सलाम वालेकुम। आज हम एडोब इलस्ट्रेटर की एक नई क्लास में शामिल हैं जिसमें हम सीखेंगे शेप बिल्डर और लाइव पेंट बकेट टूल के बारे में। तो ये बड़े दोनों टूल्स जो है इसके बड़े एडवांस फीचर हैं और यही इस सॉफ्टवेयर की एक तरह से ब्यूटी है। यूं समझ लें कि ये दोनों शेप मिलकर इतना आसान कर देते हैं काम को कि शायद आपने कभी सोचा भी ना हो। चले अभी हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक अदद जो है शेप बनाते हैं। अब देखिए, आपने एक शेप बनाया फॉर एग्जाम्पल, और इस शेप के आगे आपने एक और शेप बनाया ऑल के साथ, और मैंने इसको रोटेट कर दिया कुछ इस तरह से, और इसको मैंने ऐसे रख दिया। अब अगर आप सिर्फ बीच का ये हिस्सा चाहते हैं, एक मिसाल के तौर पे अगर आप इसके अंदर येलो कलर कर देते हैं, आप सिर्फ इसका बीच का ये पार्ट चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? ये फैसिलिटी आपको मिलती है शेप बिल्डर में। जैसे आपको सिलेक्ट करते हैं दोनों ऑब्जेक्ट्स को और यहां से लेते हैं शेप बिल्डर, तो शेप बिल्डर लेने के बाद जिन जिन हिस्सों पर आप डायरेक्टली क्लिक करते हैं विदाउट ऑल्ट, तो उतने पीस वो उसके क्रिएट कर देता है। देखिए 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, अब आप चेक कर लें 1, 2, 3, 4, 5, और वो उनके साथ इसको फिक्स भी कर देता है। ठीक है, लेकिन अगर यही चीज आप इसको इस तरह से करें अंडू और ये अंडू कर दिया, कि आप इसमें इसी काम को कुछ इस तरह से कर लेते हैं। दो पॉइंट है और उसको मैं यहां येलो कलर का ऑब्जेक्ट बना देता हूं। दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके शेप बिल्डर लेके और मैं इसको ऑल्ट की के साथ क्लिक करूंगा, इसके साथ ऑल्ट। तो जैसे ही मैं ऑल्ट की के साथ क्लिक करूंगा तो ये उन एरियाज को रिमूव कर देगा। ठीक है, तो जो एरियाज रिमूव हो गए ये देखिए, और उसके पीछे के एरियाज भी आपको मिल जाते हैं। तो इस तरह से शेप बिल्डर आपके बहुत सारे काम को आसान कर देता है। तीसरा काम शेप बिल्डर का बहुत अच्छा, फॉर एग्जाम्पल एक शेप मैंने ये क्रिएट किया है और इसका एक ऑल्ट लेके मैंने इसको क्रिएट कर दिया। ठीक है, ये कितने शेप्स है? दोनों शेप है। ठीक है, और आप इन दोनों शेप को एक करना चाहते हैं तो शेप बिल्डर ये भी काम आपको करता है। शेप बिल्डर ने पहले शेप से पकड़े और दूसरे शेप को तीसरे शेप पे इसको पकड़ के ड्रैग कर दें और ये भी एक शेप बन गया। ठीक है, इसी काम को आप ऐसे भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसको अंडू कर देता हूं तो ये कितने शेप है? दो शेप है। और अगर आप इसके अंदर कलर फिल कर देते हैं तो अब ये एक तरह से 1, 2 और 3 शेप है। ठीक है, आपको सिर्फ बीच वाला शेप चाहिए तो आप शेप बिल्डर को लेंगे और शेप बिल्डर लेने के बाद ऑल की के साथ साथ 1 दोनों को सिलेक्ट कर लें और शेप बिल्डर ऑल की के साथ ये गया और आपको बीच का शेप मिल गया। इस तरह से आप डेढ़ शेप निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल देता हूं और फिर हम दूसरे टूल की तरफ चलते हैं। ये देखिए आपका ये बार है, इसको मैं ऊपर से पतला करना चाहता हूं तो कैसे करूंगा? देखिए, यहां क्लिक करूंगा, जितने पॉइंट यहां से कम करूंगा उतने पॉइंट इसके दूसरे एंगल से कम करूंगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और देन क्लिक करके यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और देन फिर यहां से क्लिक करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहां से दोबारा क्लिक करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, दोबारा यहां से देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और फिर यहां से क्लिक करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और ये देखिए इस तरह से मैंने इसको लगा लिया। अब 5 यहां लेता हूं, 1, 2, 3, 4, 5, और देन यहां क्लिक करके 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए मैं इसके बीच में बनाने वाला हूं एक अदर शेप और, यानी कि इसको थोड़ा सा ये इस तरह से कवर अप करने वाला हूं। देखिए इसको मैं ब्लैक कलर से करने वाला हूं या रेड कलर से, और मैं चाहता हूं कि ये सिर्फ इसके मुताबिक रखे, साइड वाले हिस्से खत्म हो जाए, तो सिलेक्ट करके इसको मैंने शेप बिल्डर लिया और की मदद से ये रिमूव और ये रिमूव, और देखिए मुझे इसके ऊपर डिजाइन मिल गया। ठीक है, इसी तरीके से आप ये कर सकते हैं कि अगर आपने सर्किल क्रिएट किया है तो सर्किल को यहां रख सकते हैं, शिफ्ट की मदद से बनाए होल्ड करके इसको, और इस पे आप इसको सेंटर में इसका सेट कर दें। ठीक है, और उसके बाद आप इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट किया और आपने शेप बिल्डर लेके सेंटर में क्लिक किया ऑल की मदद से, तो ये देखिए इसके अंदर सुराख भी हो जाता है, होल्ड भी किया जा सकता है। तो देखिए शेप बिल्डर कितने काम का टूल है और आपकी काफी ड्राइंग्स को ये आसान कर देता है। ठीक है, तो शेप बिल्डर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे लाइव पेंट बकेट टूल के बारे में।